सो दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में दोस्तों एक एप्लीकेशन लेकर के आया हूँ दोस्तों, लोन एप्लीकेशन। जहाँ पर दोस्तों आपको एप्लीकेशन तो एक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है काफ़ी कंपनी के साथ दोस्तों ये एप्लीकेशन टाइप है। कोई कंपनी आपको यहाँ पर जो है आपको अगर 40,000, 50,000 या 30,000 रुपये तक का दोस्तों लोन की रिक्वायरमेंट है, वो भी दोस्तों यहाँ पर जो है अच्छे खासे टाइमिंग के लिए, तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए दोस्तों काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। क्योंकि इस एप्लीकेशन में दोस्तों आप सभी देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर फर्स्ट वाले लोन आई, यानी कि दोस्तों इस कंपनी के साथ मैं जा सकता हूँ जिसका मुझे यहाँ पर जो है 40,000 का लोन मिलेगा। दूसरे कंपनी के साथ जाऊँगा दोस्तों 35,000 का लोन मिलेगा। तीसरे के साथ जाऊँगा 40,000 का मिलेगा। और एंड दोस्तों यहाँ पर जो है तीसरे के बाद दोस्तों चौथे के साथ जाऊँगा तो 35,000 का लोन मिलेगा। यानी कि दोस्तों कंपनी एक, एप्लीकेशन एक, लेकिन यहाँ पर लोन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर जो है आप पूरे 1, 2, 3, 4 बार आप यहाँ पर लोन ले सकते हैं दोस्तों, एक एक ही बार में, ठीक है। यानी कि हो सकता है यहाँ पर आपको ये कंपनी जो है 40,000 का लोन देती है, हो सकता है दोस्तों यहाँ पर जो है आपको 50, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो आपको 5,000 का लोन अप्रूव होता है, एग्जाम्पल के लिए पहले बात को समझना, उसके बाद दोस्तों 5,000 का लोन अप्रूव होती है, तो आप यहाँ पर दोस्तों 5,000 इसमें, 5,000 इसमें, ठीक है, 5, 10, 15, 20,000 का दोस्तों लोन आपको यहाँ पर जो बेहद ही आसानी से मिल जाएगा। एंड दोस्तों यहाँ पर जो है मैं एग्जाम्पल के लिए 5-5,000 रुपये बताया हूँ, हो सकता है दोस्तों एप्लीकेशन जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको लोन दे सके। एंड दोस्तों इस वीडियो में जो है आज मैं फर्स्ट बार इस एप्लीकेशन के ऊपर में दोस्तों रिव्यू करने जा रहा हूँ। एप्लीकेशन बहुत ही दामदार एप्लीकेशन है दोस्तों, मार्केट में दोस्तों एप्लीकेशन आते के साथ दोस्तों धमाल मचा के रखा हुआ है। 1,00,000+ दोस्तों डाउनलोडिंग इसका हो चुका है। एंड दोस्तों 4.4 की रेटिंग है, ज़बरदस्त एप्लीकेशन है, न्यू लोन एप्लीकेशन। मुझे उम्मीद है दोस्तों इस एप्लीकेशन के बारे में अभी तक आपको कहीं पर भी दोस्तों पता नहीं चला होगा, जो एप्लीकेशन के बारे में अभी आपको मैं बता रहा हूँ। तो किस तरीके से लोन लेना, एप्लीकेशन का क्या नाम है, जानेंगे इस वीडियो में, जानेंगे इस वीडियो में A to Z जानकारी। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, और आपको बताते हैं किस तरीके से लोन अप्लाई करना है। एप्लीकेशन का दोस्तों इंटरफेस किस तरीके से दिखता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए सबसे फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे लोन अप्लाई करने के लिए, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो है मुझे 40,000 का लोन चाहिए, तो यहाँ पर दोस्तों 40 नहीं, मैं 35,000 का ही करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों फ्लाइट बिल एंड दोस्तों यहाँ पर जो लिख करके आ रहा है दोस्तों फ्लाइट बिल एंड दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर जो काफ़ी कंपनी का दोस्तों ये नाम है, सिर्फ ये दोस्तों कंपनी का नाम यहाँ पर यूज़ कर रही है, बाकी आपको लोन दे रही है। तो लोन लेने के दोस्तों आपको लर्न मोर में क्लिक करना होगा, एप्लीकेशन का क्या नाम है आपको पता चल जाएगा। एंड दोस्तों यहाँ पर जैसे एप्लीकेशन के अंदर आते हैं सबसे फर्स्ट टाइम, तो आपके सामने दोस्तों यहाँ पर जो सबसे पहले दोस्तों KYC वेरिफिकेशन करना होगा। तो यहाँ पर मैं सारा चीज़ आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपको अपना आधार कार्ड का दोस्तों आगे का फ़ोटो, उसके बाद दोस्तों पीछे का फ़ोटो खींच करके अपलोड करना है, ठीक है। जैसे दोस्तों अपलोड करोगे तो यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पर नंबर आपका आ जाएगा, जैसा आधार कार्ड में होगा सेम टू सेम यहाँ पर नाम आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों नाम आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछेगा आप मेल है या फीमेल है, ये आप यहाँ पर चूज़ कर देना। उसके बाद दोस्तों आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर देना होगा। एड्रेस में दोस्तों आप यहाँ पर पूरा एड्रेस आपको डाल देना है। उसके बाद दोस्तों मैरिड स्टेटस में आपसे पूछेगा आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, तो यहाँ पर मैं सिंगल डाल देता हूँ। एजुकेशन टाइप आपसे यहाँ पर पूछेगा दोस्तों, एजुकेशन टाइप में आपको क्लिक करना होगा। एंड दोस्तों यहाँ पर मैं हाई स्कूल डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों KYC करने के लिए, दोस्तों KYC करने के लिए सबसे फर्स्ट में यहाँ पर हम क्या करेंगे नेक्स्ट वाले बटन में क्लिक करेंगे। तो सारा चीज़ दोस्तों मैं ध्यान से दिखा रहा हूँ, अच्छे तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। एप्लीकेशन कहाँ से मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना है, क्या नाम है और किस तरीके से हमें जो है दोस्तों सारा डिटेल यहाँ पर जो है मैं आपको बता रहा हूँ। एप्लीकेशन का नाम आपको पता चल जाएगा वीडियो में, स्टेप बाय स्टेप देखना आपको पता चल जाएगा। तो चलिए मैं सारा डिटेल दोस्तों डाल देता हूँ। अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से मैं सारा डिटेल डालते हैं, उसके बाद देखते हैं हमें आगे क्या करना है। एंड यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मैंने जो है आधार कार्ड का दोस्तों इन्फॉर्मेशन फिल कर दिया है। यहाँ पर दोस्तों पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हम लोग आ चुके हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगा, उसके बाद बैंक अकाउंट, उसके बाद दोस्तों अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट के अंदर दोस्तों ट्रांसफर किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड का फोटो खींच करके अपलोड करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आपके सामने पैन कार्ड का दोस्तों यहाँ पर नंबर आ जाएगा ऑटोमेटिक यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आपको इंडिविजुअल अगर आपसे यहाँ पर जो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। एंड यहाँ पर दोस्तों मंथली इनकम आपसे सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पर मैं 15 से 25,000 के बीच में सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आपको अपना एक ईमेल आईडी डाल देना होगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर जो है पेटीएम नंबर यहाँ पर आपसे डालने के लिए बोला जा रहा है। पता नहीं भाई इस एप्लीकेशन के अंदर जो है पेटीएम नंबर क्यों मांग रहा है, अभी तक तो मुझे नहीं पता था इस एप्लीकेशन के बारे में कि पेटीएम नंबर भी लेता है। तो कोई नहीं दोस्तों, यहाँ पर हम पेटीएम नंबर भी डालेंगे। एंड यहाँ पर दोस्तों हम व्हाट्सअप नंबर डायरेक्ट डाल देते हैं, और डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद हमें जो है अगला पेज जो है दोस्तों किस तरीके का निकल करके आने वाला है वो आगे इस वीडियो में आपको पता चल ही जाएगा। तो चलिए मैं सारा डिटेल अच्छी तरीके से फिल कर देता हूँ।
अब फाइनली दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट डिटेल पर जैसे मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पर दोस्तों हमारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ चुका है। एंड यहाँ पर दोस्तों लोन ऑफर की बात करें, अभी तक लोन दोस्तों ऑफर नहीं किया है कंपनी। एंड यहाँ पर दोस्तों मैंने जो है 35,000 वाले में, यानी कि दोस्तों 35,000 का जो लोन है उसके लिए मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है मुझे कितना का लोन मिलता है। तो सबसे फास्ट में दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना होगा, कॉन्टैक्ट यानी कि दोस्तों फैमिली में किसी का दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर डालना होगा, यानी कि दोस्तों आपका रिलेशन किस तरीके का लगता है ये उसका दोस्तों यहाँ पर जो है नाम डाल देंगे आप फटाफट से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नाम उसका हो जाएगा, उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों एक मोबाइल नंबर, एंड दोस्तों दो मोबाइल नंबर यहाँ पर जो है आप अपने फैमिली मेंबर में जैसे कि दोस्त का हो गया, रिलेटिव का हो गया, किसी का भी दोस्तों यहाँ पर जो है कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डालना होगा। अब ये कॉन्टैक्ट डिटेल दोस्तों काफ़ी लोग मुझे कमेंट करेंगे कि सर हमारा जो है कॉन्टैक्ट डिटेल देना जरूरी है क्या, तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर इसलिए कंपनी दोस्तों लेती है ताकि यहां पर जो है आप इस कंपनी से दोस्तों लोन लेते हैं और इसका लोन अमाउंट अगर आप नहीं चुका पाते दोस्तों तो ये कंपनी आपसे कैसे कांटेक्ट करेगी, आपसे दोस्तों किस उम्मीद पर आपको यहां पर जो है ये लोन देगी, आपको किस बेसिस पर आपको लोन देगी, ताकि दोस्तों कंपनी का यहां पर जो है ट्रस्ट होना चाहिए, जिसके कारण से दोस्तों यहां पर कंपनी अपने ट्रस्टेबल के लिए दोस्तों यहां पर जो है आपसे कॉन्टैक्ट डिटेल यहां पर दोस्तों ले रही है। तो यहां पर आप अपना उसे कॉन्टैक्ट डिटेल को यहां पर आपको फिल करना है जिसमें आपको दोस्तों किसी प्रकार को दिक्कत ना हो। तो यहां पर आप जो है सारा डिटेल डालने के बाद आपको यहां पर नेक्स्ट करना है। तो चलिए मैं नेक्स्ट करता हूं। फाइनली दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल दोस्तों डाल दिया है। एंड यहाँ पर डालने के बाद अब यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं, सेलेक्ट योर बैंक नेम, आप अमाउंट किस बैंक अकाउंट के अंदर दोस्तों लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप बैंक का नाम डालेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है बैंक का नाम डालने के बाद आपको अपना यहाँ पर जो है अकाउंट नंबर डालना होगा, IFSC कोड डालना होगा दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है इस कंफर्म वाले बटन में क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप अपना उसी अकाउंट नंबर को डालना जिससे दोस्तों आप लोन लेना चाहते हैं, वो अमाउंट यानी कि दोस्तों वो अकाउंट जो है आपका चालू होना चाहिए ताकि दोस्तों पैसा जो है डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट के अंदर दोस्तों तुरंत क्रेडिट हो जाए। तो चलिए मैं अपना बैंक डिटेल डाल देता हूँ एंड कन्फर्म करता हूँ। अगर मैं आपको बता दूँ दोस्तों लोन अप्लीकेशन के बारे, अगर अभी तक आपको किसी प्रकार का कोई दोस्तों दिक्कत होगा एप्लीकेशन से दोस्तों लोन लेने से रिलेटेड, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा नीचे दोस्तों आप मुझे डायरेक्ट दोस्तों कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको दोस्तों डायरेक्ट वहां पर जरूर रिप्लाई करूंगा। तो चलिए मैं यहां पर फटाफट से अकाउंट डिटेल डाल देता हूं। एंड यहाँ पर दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पर सारा डिटेल दोस्तों फिल किया, अब ये कंपनी का दोस्तों यहाँ पर दोस्त देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है कंपनी का एक दोस्तों नया यहाँ पर जो है नाटक आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर मैंने दोस्तों 35,000 के लिए दोस्तों अप्लाई किया था, लेकिन ये एप्लीकेशन मुझे कितना का आप लोन देने के लिए यहाँ पर बोल रहे दोस्तों, रिसीव अमाउंट 2,246 रुपये देगा, जिसका दोस्तों अमाउंट यहाँ पर जो है मुझे टोटल रिपेमेंट करना होगा 3,747 रुपये। टाइम की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर जो 7 दिन का ही टाइम दोस्तों दिया जा रहा है। वेरिफिकेशन यहाँ पर दोस्तों फीस जो है यहाँ पर मुझे कितना लग रहा है 1,500 रुपये, GST दोस्तों 222 रुपये, इंटरेस्ट दोस्तों यहाँ पर जीरो बता रहा है। यहाँ पर क्या इंटरेस्ट बता रहा है दोस्तों, ये तो 100% इंटरेस्ट ले रहा है। उसके बाद दोस्तों ओवर चार्ज यहाँ पर दोस्तों आपको अगर आप लेट कर देते हैं तो एक दिन पर दोस्तों आपको 8% का लगाएगा, टोटल रिपेमेंट 3,740 रुपये करना होगा। तो इसका दोस्तों इस लोन एप्लीकेशन के बारे में दोस्तों काफ़ी लोग जो है अभी शिकार हो रहे दोस्तों, काफ़ी लोग जो है यहाँ पर मुसीबत में फंस रहे हैं ऐसे ऐसे एप्लीकेशन के बारे में। अभी दोस्तों यहां पर काफी लोग क्या करते हैं, अपने मर्जी से किसी भी एप्लीकेशन के अंदर डाउनलोड करते हैं, लोन अप्लाई करते हैं और वो लोन लेकर के फंस जाते हैं। एप्लीकेशन तो आपको लोन दे देगा लेकिन दोस्तों आप यहां पर बहुत बुरे फंसोगे, ऐसे एप्लीकेशन का दोस्तों स्कैम अभी काफी ज्यादा चल रहा है दोस्तों। तो आप जो है ऐसे 7 दिन वाला एप्लीकेशन से दोस्तों बच करके रहना है। अगर आप उनको दोस्तों पैसे नहीं दे पाते हैं तो आपको ये जो है ब्लैकमेल करेंगे और आपको बोलेंगे कि आपके व्हाट्सएप पर ऐसे फोटो भेजूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो ऐसे एप्लीकेशन से आपको बच करके रहना दोस्तों, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपसे भी कुछ सिर्फ अवेयरनेस करने के लिए दोस्तों मैंने बताया है, ऐसे एप्लीकेशन अगर आपको मिलता है दोस्तों 7 दिन का लोन देता है तो आपको लोन नहीं लेना है। अगर आपको दोस्तों वाकई में लोन चाहिए, रियल में लोन चाहिए, तो मैंने आपको एक बेस्ट एप्लीकेशन, NBFC रजिस्टर्ड है, RBI रजिस्टर्ड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया दोस्तों, उस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कीजिएगा। एंड दोस्तों कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर दिया, वहां से डायरेक्ट अप्लाई कीजिएगा। और दोस्तों अभी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के अंदर नहीं जाना, एप्लीकेशन का नाम चलिए दिखा देता हूं। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन के अंदर आपको नहीं फंसना है, नहीं तो आपका दोस्तों बहुत बुरा आप फंस जाओगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को अच्छा लगा, तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब।